नमस्कार, मैं संतोष चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, जो कि भटूरे और पूड़ी के साथ खाए जाते हैं। इन छोलों में मार्केट जैसा टेस्ट कैसे आता है वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। कुछ टिप्स हैं जो यूज़ किए हैं वो आपको मैं आगे बताऊँगी। छोले मैंने लिए हैं इसमें 250 ग्राम, जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह इनको धो के साफ़ कर लिया है। और मैंने इसमें प्याज लिए हैं 3-4 बड़े, जिनको मैंने पहले मोटा मोटा काट के भून लिया था, उसके बाद मैंने पीसा है। और टमाटर लिए हैं मैंने 4-5, जिनको मैंने पीस लिया है। और हरी मिर्च लिए हैं 2-3, उनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। और कसूरी मेथी ली है मैंने 1 चम्मच। छोले मसाला इसमें 1.5 चम्मच डलेगा। और इसमें मैंने कुछ गुलाब की सूखी पत्तियां ली हैं, ये आपको मसाले की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। चारों मसाले मैंने लिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। और कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इसमें काली मिर्च, छोटी इलायची, मोटी इलायची और लौंग है। और इसमें मैंने ली है 2 छोटे टुकड़ों में दालचीनी। और इसमें लिया है गरम मसाला। गरम मसाला इसमें 1/2 चम्मच ही डलेगा। तेज पत्ते के टुकड़े लिए हैं 2-3। और इसमें मैंने ली है चाय पत्ती, जो कि छोलों के उबालने में डाली जाएगी, जिससे कि इसमें रंग एक तो काला आता है छोलों का और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब छोले कुकर में डाल देंगे, उसके बाद 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक 2 बार यूज़ होगा, बनाते समय भी डलेगा। और इसमें हमने धो के अच्छी तरह से इनको धो लिया था। और इन पत्तियों को डालेंगे, गुलाब की पत्तियों को, और 2 गिलास पानी, लगभग 500 ml के आसपास इसमें पानी डलेगा। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून घी। अब एक हम कपड़ा लेंगे चौकोर, और उसको कपड़े को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और 1 चम्मच चाय पत्ती, इसको ऐसे चाय पत्ती को रख के और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से कपड़े को कवर कर देना है। और एक हमने एक पोटली सी बनानी है इस तरह से, और इसी का एक टुकड़ा काट के पतला सा, और मैंने उसको ऐसे करके बांध दिया है ताकि जो चाय पत्ती है वो किसी भी तरह खुलने ना पाए। ये बहुत आपने केयरफुली करना है, क्योंकि चाय पत्ती छोलों में उबालते समय खुलनी नहीं चाहिए, और गांठ आपने ये बहुत मजबूती से लगानी है। इसको हमने अब छोलों में हम ये डाल देंगे। अब हम इसमें कुकर में कम से कम 5 सीटियां लगाएंगे। गैस ऑन करते हैं। कुकर में हम जो मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे 5 सीटियां लगाएंगे, तो आसानी से छोले हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, और उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे। 2-3 लौंग है, काली मिर्च है, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, छोटी इलायची है, 1 मोटी इलायची है। छोटी इलायची मैंने यहाँ 2 ली हैं। खड़े मसाले डाल के तेज़पत्ता वगैरह, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको हल्का सा भून लेंगे, फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है मैंने। इसके बाद हम जो जब ये हल्का सा भून जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें जो मसाले हैं चारों मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। और यहाँ पे हल्दी मैं थोड़ी कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम छोले थोड़े कालापन लिए हुए छोले बना रहे हैं। और नमक 2 बार यूज़ होगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक डालिएगा। एक छोलों को उबालते समय डाला है, और एक ये मसाला बनाते समय डाला है। और इसमें प्याज जो हमने भून के पीस लिया था, वो प्याज हम मैं डाल रही हूँ। प्याज हमारा पहले से ही सिका हुआ है, तो इसको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हिला देंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा मसाला, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, उसके बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। क्योंकि प्याज हमारे पके हुए थे, तो उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं थी। हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैं तेल में नहीं डालती हूँ, क्योंकि तेल में डालने के बाद उसमें जो सब्जी का टेस्ट, सब्जी में जो टेस्ट है वो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं आता। और ऐसे डालते हैं तो वो तीखापन इसमें अच्छा लगता है सब्जी में। अब इसको कवर कर देंगे लिड को, और इधर हम कुकर का अपना देखेंगे। प्रेशर हमारा निकल चुका है, ख़त्म हो गया है इसका। अब इसमें जो हमने चाय पत्ती पोटली बना के डाली थी, उसे निकाल लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, छोलों का रंग काला आया है, जो मार्केट में होता है।
अभी इसमें हम पोटली में से और इसमें रंग निकालेंगे। अभी इसका ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, पोटली गर्म है। फिर इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, जितना आप निचोड़ सकते हैं उतना आप इसका कलर है वो निचोड़ लेना, क्योंकि इसका जो टेस्ट है और कलर है वो बहुत अच्छा आता है। एक बार आप इस तरह से छोले बना लेंगे तो मार्केट के कभी नहीं खाएंगे आप। अब इसमें ये हम पानी डाल देंगे जो हमारा कलर निकला था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारे छोले चेक कर सकते हैं हम कि हमारे छोले अच्छी तरह से पक गए हैं और जो ये गुलाब की पत्तियां हैं वो अच्छी तरह से घुल गई हैं इसमें। मसाला हमारा इधर पक चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला के और इसमें हम अपने जो छोले हैं वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। मसाले को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप इसमें गाढ़ा खाना चाहें तो इसमें पानी ना डालें, और अगर आप थोड़ा सा मतलब पतला करके खाना चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी और छोले मसाला। कसूरी मेथी को आप धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट की है, किरक आ सकती है, इसलिए धोकर ही डालना। जो छोले हमारे हैं अच्छी तरह से पक चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब अच्छे बने हैं, इसमें ज़्यादा ना पतले हैं और ना ही गाढ़े हैं। इसी तरह से भटूरे के साथ खाए जाते हैं ये। और मेरे चैनल में भटूरे की रेसिपी है, वो ज़रूर देखिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।